बुंदेलखंड न्यूज डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं अनुज हनुमत, हम यहाँ पे ग्रामोदय मेला में मौजूद हैं और नानाजी देशमुख के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पे यहाँ पे भव्य ग्रामोदय मेला यहाँ पे आयोजित हो रहा है लगातार। और यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम ने अवेयरनेस कैंप भी लगा रखा है लोगों को जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से आप कठिन परिस्थितियों में बच सकते हैं। इस समय हमारे साथ डिप्टी कमांडेंट हैं नरेंद्र चौधरी जी, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ खास है इस बार। सर स्वागत है आपका, ये बताइए कि क्या कुछ खास है इस बार। इस बार हम खास यही की है कि अन्यथा बाढ़ देखी जाती है, तो एक बार दिमाग में आता है कि क्या ऐसी कोई भी आप लोग यहाँ ट्रेनिंग का कुछ होता है कि लोग आम लोग भी ट्रेनिंग कर सकते हैं? जी, हम जब डिजास्टर का टाइम होता है तब हम ऑपरेशन में बिजी रहते हैं, जब नॉन डिजास्टर टाइम होता है हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं। और साथ में जो ऐसा तो है नहीं कि बाढ़ जब आती है तो हम हर जगह पहुँच सकते हैं, बट कम्युनिटी हर जगह मौजूद रहती है, तो आस अपने आसपास के लोगों की सबसे पहले वही मदद करते हैं। उसके लिए हमने जैसे उनको ट्रेन करते हैं कि आप किस प्रकार से अपने आसपास की चीज़ें हैं उनकी मदद से आप फ्लोटिंग डिवाइस बनाएं जिससे कि आप बाढ़ के समय आसानी से बच के निकल सकें। जैसे हमने यहाँ भी लगाए हैं एक पोर्टल की सहायता से हम 8-10 पोर्टल बांध के अपने आप को और एक व्यक्ति सुरक्षित बाढ़ से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा बम्बू हैं, केले के तने हैं, कुछ आपके पास ड्रम हैं बड़े, उनकी मदद से भी आप फ्लोटिंग जो डिवाइसेज हैं आप बड़ी थोड़ी बोट टाइप बना सकते हैं जिससे आप अपने परिवार को अपने आस पास के लोगों को से उनको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा अगर कहीं ऐसी कंडीशन में स्नेक बाइट के केसेज भी बहुत आते हैं बाढ़ के समय, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी हम स्नेक बाइट्स के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है तो आप कैसे उसको फर्स्ट एड देंगे, कैसे उसे तो हमारे साथ डिप्टी कमांडेंट थे नरेंद्र चौधरी जी, इन्होंने तमाम तरीके की जो बातें यहाँ बताई और क्या महत्वपूर्ण पक्ष हो सकते हैं आपको ऐसे डिजास्टर से बचने के लिए। और ये जो यहाँ पे अवेयरनेस कैंप तरीके का लगा हुआ है एनडीआरएफ टीम का, ये काफ़ी कुछ सहायता लोगों को दे रहा है और आम लोग यहाँ पे काफ़ी उत्साह से आ रहे हैं, खासकर चित्रकूट और बुंदेलखंड के वो लोग जो लगातार अभी पिछले कुछ समय में बाढ़ का भी उन्होंने सामना किया था। और इस तरीके की कई चीज़ें यहाँ पे जब होती हैं तो लोगों को इससे काफ़ी कुछ राहत मिल रही है। हम आपको लगातार दिखाएंगे कि यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स यहाँ पे मौजूद है, टीम का अवेयरनेस कैंप यहाँ पे लगा हुआ है लोगों को जानकारी देने के लिए कि कैसे यहाँ पे आप इक्विपमेंट्स की सहायता से अपनी जान बचा सकते हैं या कैसे कुछ यहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं उसकी जानकारी आमतौर पे लोगों को नहीं होती। यहाँ पे लाइफ डिटेक्टर मशीन यहाँ पे रखी हुई है, सर किस तरीके से वर्क करती है? एक इक्विपमेंट का नाम है लाइफ डिटेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। जब कोई बिल्डिंग गिर जाती है पूरा बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो जाती है, अंदर कौन फंसा दिखाई नहीं देता हमको, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। हम इस इक्विपमेंट में सेंसर लगे हुए 6 सेंसर आप दे सकते हैं, इसको हम जगह जगह पर प्लान करते हैं। इसके साथ हमारा डिस्प्ले यूनिट है यहाँ पर, वो डिस्प्ले से हम फिर रीडिंग चेक करते हैं। जिसके पास विक्टिम है ये सेस्मिक वेव को एक्सेस करता है, चाहे वो हार्ट बीट हो, चाहे ब्रीदिंग हो, चाहे कोई भी हल्का सा मूवमेंट हलचल हो उसको एक्सेस करता है, इसमें रीडिंग देता है। जो 6 सेंसर है 1, 2, 3, 4, 6 तक है, जिस रीडिंग में ज़्यादा नंबर आएगा जहाँ पर पॉइंट करेगा हम समझ जाएंगे बीटिंग वहीं पर है, और तुरंत वहाँ पहुँच करके हम कटिंग करके और बीटिंग को वहाँ से रिमूव करते हैं। इससे मतलब काफ़ी इससे सहयोग मिलता है। जी, ये सर्च के लिए बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। ये सर क्या है? ये है लाइव डिटेक्टर, हमारा बिल्डिंग लोकेटिंग कैमरा है। जब कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, अंदर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, अंदर हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता कि बिल्डिंग के अंदर में बिल्डिंग किस कंडीशन में, किस पोजिशन में, कहाँ पर है, हम बिना जानकारी के अननोन तरीके से नहीं काटेंगे, कहीं हमारी जो कटिंग करेंगे वाल को उस साइड में कहीं बिल्डिंग होगा उसको चोट लग जाएगी, इंजरी हो जाएगी। हम पहले सुराख बनाते हैं और उससे सर्च कैमरे को, जिसमें अंदर 16 LED बल्ब लगा हुआ है और ये अंधेरे डार्क अंधेरे रूम में भी 6 मीटर तक देखता है, अगर रूम में लाइट है तो 15 मीटर तक बहुत विजुअल इसमें सीन देता हो। इसका यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट है, यहाँ पर दिखाएगा कि बिल्डिंग किस कंडीशन में है, कहाँ पर है। हम उस पार्ट को कटिंग करते हैं और बिल्डिंग को रिमूव करते हैं। ये अंदर के पार्ट को देखने के लिए बहुत अच्छा और सहयोगी इक्विपमेंट है। इसको बोलते हैं ई लिफ्टिंग बैग। जब कोई बिल्डिंग गिर जाता है, मलबे बहुत भारी भारी पीस होते हैं, चाहे ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, पलटी हो जाए, ट्रक पलटी हो जाए, इसको उठाने के लिए हमारे पास साधन नहीं होता है आम आदमी के पास, और जगह बड़ा जैक होगा उसको लगाने के लिए जगह नहीं होता है। तो ये ऐसा इक्विपमेंट है, इसके लिए खाली 1 इंच का जगह चाहिए, हम इंसर्ट कर देंगे, उसके बाद में इससे हम हवा के थ्रू लिफ्ट करते हैं। ये डिफरेंट 10 पीस में आता है, 10 अलग अलग साइज में आता है। इसकी जो मैक्सिमम साइज है आपको जानकर हैरानी होगी, इसकी जो लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी है 72 टन का है। 72 टन। जब ऐसे कभी कोई डिजास्टर होता है तो क्या पूरी मशीनें पूरे सामान आप लोग एक साथ लेके चलते हैं या बताया जाता है कि क्या क्या लेके चलते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमारे पास हमारा हेडक्वार्टर वाराणसी में है, हमारी 2 टीमें एट ए टाइम अलर्ट होती है जो कि 15 मिनट के एक्शन में एक्शन करती है। उसमें अलग अलग एलिमेंट होते हैं,
जो फायर का होता है उसके लिए अलग, फ्लड के लिए अलग होते हैं, हमारे पास गाड़ी लोड होती है, बोट वगैरह डीप डाइविंग सेट अलग होते हैं, और जो बिल्डिंग कोलैप्स के अलग होते हैं और सिवियर इमरजेंसी होती है, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल, उसके लिए इक्विपमेंट गाड़ी वाले से लोड होता है। हर डिफरेंट सिनेरियो में अलग तरीके के हमारे सामान लोड होता पहले से ही, और इसको सारे तैयार होते हैं। सर ये मल्टी केबल बेंच, इसका क्या उपयोग है? तो मल्टी केबल बेंच है, बैटरी से ऑपरेटेड है, वो सिंपल इक्विपमेंट है, बैटरी से ऑपरेट होता है। नीचे कोई सामान को डाउन करना होता है या कोई चिमनी इसको बोलते हैं, इसको हम कुएं से नीचे से किसी बिल्डिंग में निकालना होता है, या कोई गाड़ी को खींचना होता है, खास गाड़ी निकालने काम में भी आता है। ये 3 टन तक इसकी कैपेसिटी है लिफ्टिंग की, इसको हुक करके निकाल करके उसको आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो और कौन कौन सी चीज़ें सर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है दर्शकों को बताने के लिए कि जब आप फंसे ऐसी चीज़ें? आप देख सकते हैं, हाइड्रोलिक कटिंग और स्प्रेडर मशीन है, इसको हम गैसोलीन ऑपरेटेड है, इंजन से चलता है, इसका सेपरेट इंजन आता है। ये 3 प्रकार यूज करते हैं, इसमें 2.5 सेंटीमीटर मोटी सरिया काट सकता है, और एक कोई गाड़ी आपस में टकरा गई हो उसको स्पर्ट करके बाहर खोलने के काम आता है, और कोई लोड को ड्रैग करना हो खींचना हो उसके काम में आता है। ये मल्टी यूज है, 3 टाइप्स इसका यूज करते हैं, और काफ़ी कारगर इक्विपमेंट।